नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। मैं 10 रुपए का स्टाम्प आपने 15 रुपए इनसे चार्ज किया। भाजी रुको, आप मैं देख रहा हूँ वीडियो बन रहे, आपने फिर 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? उधर से बोलते भाजी, कितना कितना पैसा लिया मेरे वीडियो में? कितने पैसे? 15 रुपए। 10 रुपए का स्टाम्प है ना? क्या नाम है आपका? महावीर। दिखाओ इन्होंने कितने पैसे दिए आपको? क्यों का दिया था? क्यों क्यों क्या क्यों किया ऐसा? लिए आपने मेरे सामने दिए? ये बोल रहे हैं, ये देखो 50 का दिया था मैंने, ये दिए मेरे को वापस 35 रुपए दिए मैंने, 10 दिए थे वो वापस कर दिए। आप नहीं आपका आप अपना नाम बताएं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी सरकार में जहां अधिकारी तो अधिकारी, छोटे मोटे स्टाम्प विक्रेता भी अब आम जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आम जनता को लूटने खसोटने का ये काम पानीपत जिला प्रशासन की ठीक नाक के नीचे धड़ल्ले से किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानीपत लघु सचिवालय बैठे स्टाम्प विक्रेताओं की, जिन्होंने सरकार द्वारा तय किए गए स्टाम्प के रेटों को अपनी मनमर्जी के रेट तय कर रखे हैं और धड़ल्ले से आम जनता की कमाई को लूटा जा रहा है। लगातार मिल रहे स्टाम्प विक्रेताओं की शिकायत के चलते हमारी टीम ने पानीपत में चल रहे स्टाम्प विक्रेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए रियलिटी चेक किया तो हमने पाया कि 10 रुपए के स्टाम्प को 15 रुपए और 100 रुपए के स्टाम्प को कम से कम 110 या 150 रुपए में बेचा जा रहा था। भ्रष्टाचार के इस खेल को अंजाम देते हुए हमने एक वीडियो कवर किया जिसमें एक महिला कर्मचारी को 10 रुपए का स्टाम्प 15 रुपए में बेचते हुए दिखाया गया। स्टाम्प लेने वाले व्यक्ति ने कर्मचारी को 50 रुपए का नोट दिया और 10 रुपए का स्टैम्प खरीदा। इसके बाद महिला कर्मचारी ने व्यक्ति को 35 रुपए वापस लौटाए। जब महिला से इस बारे में सवाल किया गया तो उसकी बोलती बंद हो गई। वहीं जिला उपायुक्त सुशील सारावान के संज्ञान में भी मामला डाला गया और सवाल किया गया कि आपकी कुर्सी के नीचे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे जवाब में जिला उपायुक्त सुशील कुमार सारवान ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें, स्टाम्प मकान की खरीद जमीन के बेचने, खरीदने मकान को किराए पर लेने के लिए स्टाम्प की आवश्यकता पड़ती है और दिन भर स्टाम्प खरीदने वालों की लाइन लगी रहती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक ये स्टाम्प विक्रेता लाखों करोड़ों रुपए की कमाई तो कम से कम अपनी जेब में डाल चुके होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन के संज्ञान में मामला आने के बाद कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है या फिर नहीं, या फिर आम जनता की जेब पर ये डकैत ऐसे ही डकैती डालते रहेंगे। मैडम, अभी 100 रुपए का स्टाम्प लेकर आपने 110 रुपए चार्ज किए। नहीं, वो रहे, वो खड़े हैं। आ जाओ सर, सर आना है। तो आप ये इस तरीके का क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, 100 ही नहीं है, 110 रुपए। सर सर आना, यही रह क्या गए होंगे? सर इन्होंने कितना चार्ज किया एक बार कैमरे पे बोले सर? दे पहले पहले कितने लिए इन्होंने? 110 रुपए लिए। अब मतलब अब वापस दिए। स्टाम्प को लेकर क्या चार्ज करते हैं? 10 रुपए का स्टाम्प कितने में देते हैं? तो ये 10 रुपए 15 रुपए लेते हैं, कई कई बार ले लेते हैं। ऐसा क्यों इनको बताते नहीं है कि जब 10 रुपए की चीज नहीं बोलते हैं ऐसा मिलता है फिर जाओ चक्कर काटो? क्या नाम है आपका? 15 का दे रहे थे जी पहले, तो अब तो 10 का दिया है जी हमें तो। कब से दिया है इन्होंने? सर मेरा अभी दिया है जी, पहले तो मेरे को, मैं तो अभी आया हूँ जी देने। हम लोग लगे, हमने देखा है। हाँ जी, पहले 5 रुपए छोड़े है जी, जब आपने एक्शन लिया, नहीं तो 15 का तो दे ही रहते अगर आप ना आते तो। आप 10 का दिया है जी, एक्शन लिया तो आपने 10 का दे रहे जी। ये 15 का ही देते थे, आज हमने स्ट्रिंग किया, देखा इन्होंने तो उसके बाद कम किया इन्होंने जी। 5 रुपए कम किए, 5 कम किए जी। 10 रुपए का स्टाम्प 10 में दे। हाँ जी, जो कल स्टाम्प को लेकर देखा हमने के 10 रुपए का 15 रुपए में और 100 रुपए का 110 रुपए में परचेज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने मामला आपके संज्ञान में दिया, अब फिलहाल हम देख रहे हैं कि स्टाम्प का रेट बिल्कुल ठीक किया गया है। लोगों में भी इसको लेकर काफ़ी आपके प्रति यही कहना है लोगों का कि इस मामले में डीसी साहब जरूर एक्शन लें। मैंने वीडियो फुटेजेस देखे हैं और मैंने इंक्वायरी के लिए डीआरओ साहब को वो भेज दिए हैं, जैसे रिपोर्ट आएगी उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।